वेलकम टू ऑल ऑफ फैमिली सर। बेटा नई चीज खरीदे थे कंपनी वाइड नहीं निकला। कांग्रेचुलेशंस सर। नई स्कूटी के लिए ठीक। ये इधर से ठीक है और ये इधर से ये बॉडी हट रही है। ये देखो देखिए, ये मुझे कल रात डिलीवर्ड हुई थी। अब दिन में ये यहाँ से हट रही है, प्लास्टिक इसकी अलग है, बाकी यहाँ से ठीक है। और यहाँ से ये बॉडी अलग है, गैप है इसमें। जय हिंद देवी लवर्स। जैसा कि आपको पता है, ओला ने अपनी डिलीवरीज स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन ज़्यादातर डिलीवरीज जो हैं रात में हो रही हैं। ऐसे में हमारे एक सब्सक्राइबर जो कि दिल्ली में रहते हैं, उनको ओला डिलीवर करी गई। अगर आपके ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी रात में हो रही है तो कृपया उसका इंस्पेक्शन उसी वक्त करिएगा। सबसे बड़ा कंसर्न है इलेक्ट्रिक स्कूटर की टच स्क्रीन के नीचे वाला पैनल गैप, जो हैंडल बार्स में भी आपको दिख सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने व्हीकल का प्रॉपर इंस्पेक्शन करें डिलीवरी लेने से पहले। बेंगलोर में तो कुछ डिलीवरीज का ये हाल है कि उन्होंने पूरा स्कूटर रिप्लेस करने का वादा तक कर दिया है। ये सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं जो कि ओला क्वालिटी एश्योरेंस टीम देख नहीं रही। इलेक्ट्रिक स्कूटर की असेंबली लाइन के बाद उसको क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ऐसे में पता नहीं ये कैसे टेस्ट पास कर रहे हैं और डिलीवरीज जल्दी करने के चक्कर में क्वालिटी को इग्नोर कर रहे हैं। मैं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आने वाले हेलमेट का भी आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये हमारे एक सब्सक्राइबर्स को डिलीवर हुआ है। ये एक छोटा हेलमेट है जो आराम से इसके बूट स्पेस में फिक्स हो जाता है। आप फुल फेस हेलमेट इसमें नहीं रख पाएंगे, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ ही एक हेलमेट को ज़रूर ऑर्डर करें। साथ ही इनकी एक ईमेल और भी आ रही है जिसमें लिक्विड सिल्वर कलर को बहुत ज़्यादा डिमांड में बताया गया है। तो जिसने लिक्विड सिल्वर बुक किया था उसको एक सलाह दी जा रही है ईमेल के जरिए कि आप कोई और कलर लीजिए, वरना आपको बहुत डिलीवरीज में डिले होगा। जबकि ये ईमेल में उल्टा लिख के भेज रहे हैं कि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एक तो इतने ज़्यादा डिफेक्ट और ऊपर से हाफ बेक्ड प्रोडक्ट। आप लोग ट्विटर के जरिए क्वालिटी एश्योरेंस पे भी भावेश अग्रवाल और ओला इलेक्ट्रिक को टैग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको फॉल्टी स्कूटर डिलीवर हो गया तो मैं यकीन मानिए आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है उसको सही कराने में। एक तो वो हाफ बेक्ड प्रोडक्ट है, ऊपर से उसमें आप इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी दे रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जब आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर डिलीवर हो तो टच स्क्रीन के नीचे वाला जो गैप है उसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही साइडवेज ग्रैब रेल्स को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें भी काफ़ी स्क्रैचेस आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर लिख भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका समाधान करने की। तब तक के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद दोस्तों।